अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया किसी की तरफ से कि क्या लेट कर कुरान पढ़ना जायज़ है? क्या मैं लेट कर कुरान पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ? इस सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल आप लेट करके भी कुरान पढ़ सकते हैं। दीन आसान है और दीन ने, शरीयत ने, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि अगर कोई लेट कर कुरान पढ़ना चाहे तो उसके लिए जायज़ है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 7549, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़्रउल कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे और उनका सर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरी गोद में होता था। जाहिर सी बात है, गोद में सर रखेगा इंसान उसी वक्त जब वो लेटा हुआ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे और हालत, पोजीशन ये होती थी कि आपका सर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में हुआ करता था। तो इससे उलमा ने यह इस्तदलाल किया है कि अगर कोई लेट कर कुरान पढ़ता है तो उसका यह अमल करना जायज़ है। वल्लाहु आलम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।